स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मेरठ का रहने वाला बदमाश मोहसिन अपने साथी के साथ बाइक से जा रहा था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसे रोकने की कोशिश की, तभी उसने पुलिस पर गोली चला दी। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई जिसमें मोहसिन घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा। तो पुलिस और बदमाशों की एक और मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। तो दो संदिग्ध लोग स्प्लेंडर से बिना नंबर की बाइक से आते दिखे, उनको रोकने का प्रयास किया गया, वो रुके नहीं और फायरिंग करके भागे। और फायरिंग करके भागने के बाद तो हमारे SHO ने चौकी इंचार्ज सेवाधाम को और RT से सारे लोगों को बताया आगे घेराबंदी और चेकिंग के लिए कि इस तरह की सूचना है, और दो बदमाश फायर करके भागे। फिर आगे उनको घेरा गया, फिर उन्होंने दोबारा फायरिंग की जिसमें हमारा कांस्टेबल घायल हुआ। और आत्मरक्षा में दोबारा जब आत्मरक्षा में पुलिस ने फायरिंग की तो उसमें एक बदमाश घायल हुआ। और जब बदमाश घायल होने पर उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम मोहसिन बताया, और दूसरा बदमाश जिसका मोहसिन ही नाम था वो भागने में कामयाब हो गया।